हे गाइस वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी तो आज के वीडियो में गाइस हम पढ़ने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है ये कैसे प्रूफ करा लोगों ने है ना पास्ट में ठीक है तो मैं आपको वापस से एक बार ही रिमाइंड करा दूं कि हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 12th का चैप्टर 6 है है ना और हमने ऑलरेडी डीएनए के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है जैसे कि डीएनए किस चीज का बना होता है क्या उसमें components होते हैं हैं है ना क्या डीएनए के है ना और पैकेजिंग क्या है डीएनए की तो आज हम शुरू करेंगे कि कैसे हमने प्रूव करा कि जेनेटिक मटेरियल है क्या एग्जैक्टली exactly, है ना तो इससे पहले हम ये शुरू करें गाइज मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे बताइए जरूर कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इनके कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं डाउट मैसेज करके अगर अच्छा लगा है तो भी मुझे मैसेज कीजिए अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो ठीक है तो मैं आपके कमेंट्स का हमेशा वेट करती हूँ तो स्टार्ट करते हैं गाइस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से सो बेसिकली हुआ ये कि मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने मेंडल के इनहेरिटेंस का जो उन्होंने लॉजिक दिया बेसिकली जो प्रिंसिपल्स दिए इनहेरिटेंस के उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा कि एग्जैक्टली exactly कैसे हम पता लगाएं कि इनहेरिट जो हो रहा है है ना जो उन्होंने फैक्टर बोला जिसको बाद में जीन बोला गया या बाद में डीएनए आरएनए को डिस्कवर किया गया तो उस टाइम पे लोगों को ये लगा कि ये है क्या जो ये जो फैक्टर है ये क्या है ये कैसे पता लगा है। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ठीक है इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट भी है ठीक है तो उन्होंने नाइनटीन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे किसके साथ करे एक्सपेरिमेंट करे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया होता है जो जिससे निमोनिया होता है, है ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट अब उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने कल्चर करा स्ट्रेप्टोकोकस का तो जो जब उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस को कल्चर कल्चर प्लेट पे कल्चर कला करा है ना तो उनको दो अलग स्ट्रेन मिले ठीक है उनको दो अलग कॉलोनीज मिली एक स्मूद कॉलोनीज मिली स्मूद शाइनी कॉलोनी ठीक है दूसरी रफ कॉलोनीज मिली इसको बोलते हैं एस और इसको बोलते हैं आर तो कहीं भी अगर हम एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बोल रहे हैं तो मतलब वो स्मूद और रफ है ठीक है अब ये जो कॉलोनी है जो स्मूद वाली कॉलोनी है वो स्मूद क्यों है तो बेसिकली इन्होंने ये देखा कि ये जो स्मूद कॉलोनी है वो एक कोट बना रही है एक पॉलीसेकेराइड का म्यूकस कोट बना रही है जिस वजह से स्मूद है ये ठीक है अब एक और चीज पता चली कि ये जो स्मूद कॉलोनीज है ना ये वायरुलेंट है और ये जो रफ कॉलोनीज है ये नॉन वायरुलेंट है ठीक है मतलब इससे डिजीज होता है और इससे नहीं होता है ठीक है अब उन्होंने क्या करा कि लिया माइस और माइस को पहले इन्फेक्ट कर दिया जो आपका वायरुलेंट स्ट्रेन है जो एस स्ट्रेन है जो स्मूथ स्ट्रेन है उससे और देखा ये कि माइस निमोनिया से मर गया ठीक है निमोनिया इन्फेक्शन हो गया माइस को और माइस डाइड फिर उन्होंने क्या करा कि दूसरा माइस लिया और उसको जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है जो रफ स्ट्रेन है जो आर स्ट्रेन है उससे इन्फेक्ट करा और फिर क्या हुआ कि वो माइस नहीं मरा उसमें नहीं हुआ क्योंकि वो नॉन वायलेंट है है ना तो बच गया माइस उसको निमोनिया नहीं हुआ अब इन्होंने क्या करा कि जो हमारा वायलेंट एस स्ट्रेन है ना उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करे तो उसको जब हीट से ट्रीट करा तो बेसिकली बैक्टीरिया जो होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस ये हाई हीट में मर जाता है सरवाइव नहीं कर पाता है ठीक है तो इसको जब हाई हीट से ट्रीट करा तो देखा कि जो एस्ट्रेन जो वायरल है वो भी मर जाता है सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है अब इन्होंने दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे अब इन्होंने क्या करा कि वापस से एक माइस लिया इस माइस में हीट किल्ड जो एस्ट्रेन है ना बेसिकली जो हीट से मर जा रहा है ठीक है तो हीट करके मार के और फिर इंजेक्ट कर दिया फिर क्योंकि तो तो एक मिक्सचर बना दिया मिक्सचर किसका बनाया जो हीट किल्ड स्ट्रेन है जिससे नहीं मरेगा और जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है उससे भी नहीं मरेगा तो आइडियली माइस को नहीं मरना चाहिए ये जगह अगर हम ये कॉम्बिनेशन में इंजेक्ट कर दे माइस को तो नहीं मरना चाहिए बट हमने क्या देखा कि माइस मर गया जबकि उसमें नॉन वायरो स्ट्रेन लाइव है और जो वायरुलेंट स्ट्रेन है वो हीट किल्ड है और हीट किल्ड अलग से डाला तो तो वैसे ही बच गया था है ना तो इससे ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूड करा इससे ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड करा कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो किसी रीजन के वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया है एस स्ट्रेन्ड हीट किल्ड बैक्टीरिया के प्रेजेंस में और इसीलिए इसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ठीक है तो बोला कि बिकॉज़ ऑफ ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा आर स्ट्रेन था वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन के प्रेजेंस में वही स्मूद पॉलीसेकेराइड कोट बना लिया वही म्यूकस का कोट बना लिया जो वायरुलेंट एस स्ट्रेन में होता है और ये आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया और इसके वजह से माइस को निमोनिया हो गया और वो मर गया ठीक है बट हुआ क्या प्रॉब्लम क्या थी कि यहां पर उन्होंने कोई बायोकेमिकल नेचर नहीं देखा है ना यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि एग्जैक्टली exactly वो जेनेटिक मटेरियल है क्या जिसकी वजह से हुआ तो इन्होंने बोला कि ये हो सकता है कि genetic material के ट्रांसफर हो गया आर स्ट्रेन में तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया वायरो स्ट्रेन में और ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से हो गया मे बी ठीक है तो उन्होंने लेकिन सर्टनली नहीं बताया कि ये जो है डीएनए के वजह से हुआ ऐसा नहीं बताया ठीक है अब इसके बाद क्योंकि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हुआ नहीं तो बाकी साइंटिस्ट्स ने ग्रिफिथ के बाद बोला कि भाई हम बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ही करके देख लेते हैं क्या पता हमें पता चल जाए कि हाँ वो डीएनए ही था ठीक है तो हुआ क्या कि तीन साइंटिस्ट ऑजवर्ल्ड एवरी कॉलिन मैक्लॉइड और मैकलिन में मतलब इस पे और इन्होंने जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था जो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट था या जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर की स्टडी करी तो बायोकेमिकल जो जो है वो क्या है उनकी स्टडी करी ठीक है तो इन्होंने क्या करा कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसके बायोकेमिकल्स को निकाला और प्योरीफाई कर लिया मतलब प्रोटीन्स निकाल लिए डीएनए निकाल लिया आरएनए निकाल लिया ऐसे करके सब कुछ निकाल लिया ठीक है ये देखने के लिए कि क्या इन सब में से कौन सा ऐसा है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर सेल को एस सेल में ठीक है और इन्होंने ये डिस्कवर करा कि डीएनए अलोन डीएनए अकेले एस बैक्टीरिया को से, से जो है आर बैक्टीरिया में जा रहा है और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है ठीक है अब RNA और प्रोटीन कैसे नहीं कर रहा है उन्होंने ये कैसे पता लगाया तो उन्हों, उन्होंने ये डिस्कवर करा कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम्स या फिर आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जैसे प्रोटीज या आर होते हैं है ना वो अफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन को ये देखा उन्होंने ठीक है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स या फिर आरएनए डाइजेस्टिंग तो कोई अच्छा कर नहीं रहे हैं मतलब सब्सटेंस है वो प्रोटीन या आर नहीं है बट जब उन्होंने डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यूज करे जब डाइजेस्ट कर दिया डीएनए से किस चीज से डीएनए से डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम से तब क्या देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो इससे ये कंक्लूड हो गया कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर स्ट्रेन को जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है उसको एस स्ट्रेन में है ना जो हमारी वायरोलेंट स्ट्रेन है उसमें तो उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि डीएनए इज दिडिटरी मटीरियल उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि डीएनए ही हेरिडिट्री मटीरियल है ठीक है बट फिर भी सारे कन्विस्ड नहीं थे इससे है ना साइंटिस्ट की अपनी प्रॉब्लम होती है सारे कन्विंस नहीं थे कुछ ने बोला कि भाई हो सकता है कि आपने गलत कुछ करा हो, हो सकता है कि आपने सही से चेक नहीं करा हो हम तो नहीं मान रहे आपकी बात ठीक है फिर आए एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज जिसको बोलते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1952 में बैक्टीरियोफेजेस पे काम करा ठीक है बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं ठीक है कैसे इन्फेक्ट करते हैं कि बैक्टीरियो फिश बैक्टीरिया पे जाके अटैच हो जाते हैं मतलब ये वायरसेस बैक्टीरिया से बैक्टीरियल सेल पे अटैच होते हैं और अपना जेनेटिक जो मटेरियल है वो ट्रांसफर कर देते हैं बैक्टीरियल सेल में ठीक है अब बैक्टीरियल सेल में जब इनका जेनेटिक मटेरियल जाता है तो बैक्टीरियल सेल इसको खुद के जो है कॉम्पोनेंट के जैसे ही ट्रीट करता है उसको ये नहीं लगता कि फॉरन कुछ आया है उसको लगता है कि ये तो मेरे सेल का ही पार्ट है और वो क्या करता है कि इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू तो कर देता है अपने अंदर ही ठीक है तो मैन्युफैक्चर करके बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देता है ठीक है तो उन्होंने कैसे डिस्कवर करा ये देखते हैं ठीक तो उन्होंने ये देखा कि बेसिकली ये खोजा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है क्या ये प्रोटीन है या ये डीएनए है ठीक है तो इन्होंने क्या करा सीधा हम ये डायग्राम से देखते हैं क्या करा इन्होंने ठीक है यही है हमारा हर्षी चीज एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या करा कि दो तरीके से याद रखिएगा कुछ वायरसेस लिए कुछ वायरसेस ठीक है इसको जो है ग्रो करा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर ठीक है और कुछ वायरसेस को ग्रो करा रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ठीक है तो यहां पे जो आप देख रहे हैं ये ऐसा बैक्टीरियोफाज़ है जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है यहां ऐसा बैक्टीरियोफाज़ है जिसमें पेज है जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस अब होता क्या है कि जो वायरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ग्रो करे उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए होगा कैसे क्योंकि जो है वो डीएनए का पार्ट होता है लेकिन प्रोटीन में कभी फॉस्फोरस होता नहीं है है ना प्रोटीन कंटेन करता नहीं है तो उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया अब जो रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में ग्रो करें ठीक है इसमें क्या होगा कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स आ गए क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फ का पार्ट होता है सल्फर लेकिन डीएनए का पार्ट नहीं होता है तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में रेडियो एक्टिव डीएनए है और रेडियो एक्टिव सल्फर में रेडियो एक्टिव प्रोटीन है अब इन्होंने क्या करा कि इसको कोलाई e. में सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है इसको क्या करा कोलाई e. के सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बाद इन्होंने क्या करा कि बेसिकली वो वायरल कोट हटा दिए थे उसको जो है बेसिकली ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना? तो वायरल कोट हटाकर बैक्टीरिया से और उसको एक ब्लेंडर में डाला सेंट्रीफ्यूज कर दिया है ना और वायरस पार्टिकल्स सेपरेट हो गए बैक्टीरिया से है ना अब इन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव डीएनए मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला जो मे, मीडियम में बेसिकली जो वायरस कल्चर करा है वो वो वायरस जिस बैक्टीरिया में है ठीक है उसमें इन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव डीएनए था ठीक है रेडियो एक्टिव डीएनए डिटेक्ट हुआ ठीक तो इन्होंने बोला कि देखो डीएनए तो मटेरियल है वो पास हो गया है, से बैक्टीरिया. है? तो, मतलब पास तो हो गया मतलब तो पास हो गया। चलो। अब इन्होंने जब दूसरा वाला मीडियम उठाया ऐसे बैक्टीरिया जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर के कल्चर में वायरस को ग्रो करा था है ना तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें वो वायरस का गया है जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था ठीक है उसमें देखा कि कोई रेडियो एक्टिव प्रोटीन थे ही नहीं है ना? तो मतलब वाला ट्रांसफर तो हुआ नहीं है कुछ ऐसा ठीक है तो इन्होंने फाइनली ये बात बोली कि डीएनए ही वो मटेरियल था जो कि वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ था प्रोटीन वो नहीं था इसीलिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है ठीक है तो अगर मैं यहां पर आपको इसके तीन इन्होंने जो करें वो बताऊं तो पहला था इन्फेक्ट किया है फिर उसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से और सेंट्रीफ्यूज कर दिया है और उसके बाद चेक कर लिया कि क्या आया है ठीक है ठीक तो फाइनली ये हर्शी एंड चेर एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया कि डीएनए ही वो मटेरियल था जो कि वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है इस बेसिस पे उन्होंने बेसिकली या फिर इन जनरल लोगों ने कुछ ऐसे फीचर्स निकाले जो अगर कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें होने ही चाहिए ठीक है अब इस फीचर्स के बारे में पहले देखते हैं फिर देखते हैं कि क्या डीएनए आरएनए या प्रोटीन में ऐसा होता है ठीक पहला जो फीचर है पहला जो जेनेटिक मटेरियल का फीचर है वो होना चाहिए खुद को रेप्लीकेट करने का उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद का रेप्लिका बना सके तो पहला हुआ रेप्लीकेशन ठीक है दूसरा उन्होंने बोला कि इसको केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए वो मॉलिक्यूल ठीक है तीसरा बोला कि जो मेंडल के कैरेक्टर्स थे है ना मतलब एक्सप्रेसिव होने चाहिए ये बेसिकली है ना उसको खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए मतलब कि अगर राउंड सीड है रिंकल्ड सीड है तो वैसा आ रहा है में है ना तो एक्सप्रेसिव होना चाहिए और चौथा बोला कि कोई भी ऐसा स्लो चेंज होता है जैसे कि म्यूटेशन तो उसको खुद को स्लो चेंज करके एज पर इवोल्यूशन इसका स्कोप होना चाहिए है ना टू इवॉल्व ठीक है इवॉल्व करना चाहिए अगर विथ टाइम जरूरत पड़ी तो ठीक है तो अब हम देखते हैं डीएनए आरएनए और प्रोटीन अब क्योंकि डीएनए और आरएनए में बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है तो वो दोनों ही डुप्लीकेशन कर सकते हैं ठीक है बेसिकली तो इससे हमें ये पता चल गया कि रेप्लीकेशन जो है ये डीएनए में भी होता है आरएनए में भी होता है बट प्रोटीन में तो नहीं होता है है ना प्रोटीन खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता तो बेसिकली प्रोटीन तो है नहीं जेनेटिक मटेरियल ठीक है डीएनए और आरएनए है दूसरा है केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होने चाहिए अब डीएनए की बात करें तो केमिकली और स्ट्रक्चरली बहुत स्टेबल है है ना लेकिन आरएनए उतना नहीं होता है अब डीएनए क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है वो रिपेयर कर लेता है तो ज्यादा स्टेबल होता है तो डीएनए को बोलते हैं इसीलिए कि बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है ठीक है दूसरी चीज की जब हम डीएनए में देखते हैं ना थाइमीन होता है नाइट्रोजेनस बेस और आर होता है यूरासिल थाइमीन जो आपका होता है ना वो एडिशनल स्टेबिलिटी देता है डीएनए को ये भी याद रखिएगा ठीक है फिर उसके बाद दोनों डीएनए और आरएनए तो बेसिकली दोनों ही स्टेबल होते हैं डीएनए थोड़ा ज्यादा होता थो तो है इसलिए बेटर होता है जेनेटिक मटेरियल अब तीसरा क्या है कि दोनों डीएनए और आरएनए म्यूटेट कर सकते हैं बस यही है यह कि आरएनए क्योंकि थोड़ा अनस्टेबल होता है तो ज्यादा जल्दी म्यूटेट कर जाता है ठीक है ना और वायरसेस में आरएनए जीनोम में तो शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है और म्यूटेट कर जाते हैं जल्दी इसलिए बोलते हैं है ना तो म्यूटेट तो दोनों ही कर जाते हैं तो चलो दो ये भी प्रॉपर्टी है चौथा है कि आरएनए जो है वो डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन के लिए तो हमने जान हमें पता ही है कैसे होता है डीएनए से बनता है सेंट्रल डोगमा की बात कर रहे हैं है ना आर और आर से बनता है प्रोटीन तो ये तो डायरेक्टली कोड कर रहा है प्रोटीन ना, तो एक्सप्रेस कर ही रहा है तो कैरेक्टर डीएनए जो है वो आरएनए पे डिपेंड करता है प्रोटीन कोड करने के लिए ठीक है तो डीएनए भी एक्सप्रेस तो करता है पर डिपेंडेंसी होती है आरएनए पे ठीक है तो जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है आपकी वो जो है आरएनए पे के अराउंड ही इवॉल्व हुई है और आरएनए पे डिपेंडेंट होती है ठीक है अब इससे हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है बट डीएनए क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो डीएनए जो है प्रिफर किया जाता है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा आरएनए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आरएनए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है अब देखते हैं हमने डीएनए के बारे में तुमने बहुत पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हम आरएनए क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं तो आर एन ए आपका ना पहला जेनेटिक मटीरियल था ठीक है आर एन ए पहला जेनेटिक मटीरियल था ठीक है और इसीलिए अनस्टेबल होता है डीएनए क्योंकि आर एन ए से ही इवॉल्व हुआ है इसलिए वो डबल स्टैंडर्ड है कॉम्प्लीमेंटरिटी है तो बेसिकली वो रेजिस्ट करता है सडन एवोल्यूशन है ना और वो अनस्टेबिलिटी रेजिस्ट करता है इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है डीएनए ठीक है लेकिन आपके बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो कि बहुत ही इसेंशियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि पूरी मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन प्रोटीन का बनना ये सब कुछ इवॉल्व करता है आर के अराउंड ठीक है अब आर दो बेसिकली चीजें करता है आर जेनेटिक मटेरियल तो है ही आर जेनेटिक मटेरियल तो है ही आरएनए कैटलिस्ट का भी काम करता है अब इसी रीजन से ये रिएक्टिव होता है या इसी रीजन से ये अनस्टेबल होता है ठीक है लेकिन आरएनए का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है ना ठीक है और फिर से वही बात बोलूंगी कि क्योंकि डीएनए इवॉल्व हुआ है आरएनए से ही है ना और डबल स्ट्रेंड स्टैंडर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स होते हैं तो बेसिकली वो रेजिस्ट करता है इवोल्यूशन और वो अगर छोटे मोटे चेंजेस होते भी हैं तो क्या करता है रिपेयर कर लेता है रिपेयर मेकेनिज्म होती है रिपेयर कर लेता है खुद को ठीक है इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है और बेटर जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जाता है ठीक है तो गाइज हमने थोड़ा बहुत आरएनए के बारे में और कैसे ये प्रूव करा विथ टाइम लोगों ने कि डीएनए और आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सपेरिमेंट्स चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था या फिर एंड एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू पढ़ लिया नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेप्लीकेशन वो पढ़ने वाले हैं ठीक है आई होप गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी अगर आई है तो वीडियो को लाइक करा ना भूलिए और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जल्दी से ठीक है और अगर आपको कोई भी डाउट है जो भी आज मैंने पढ़ाया उसमें तो मुझे आप या तो कमेंट सेक्शन में मैसेज में करके बताइए या तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बट बत मुझे बताइए जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी थैंक्स गाइस बाय बाय